नमस्कार बच्चों बच्चों, आज मैं आपको दो प्राणायामों के बारे में बताऊंगी। पहला है शीतली प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम की विधि, फर्स्ट किसी भी आरामदायक आसन में बैठेंगे, सेकंड हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें, थर्ड आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, फोर्थ अब जीभ को एक ट्यूब या नलिका जैसा बना लें, इस ट्यूब के माध्यम से सांस अंदर लें, नंबर फिफ्थ सांस लेने के बाद जीभ को मुंह में वापस अंदर लें और होंठ बंद कर लें, नाक के माध्यम से सांस छोड़ें, नंबर सिक्स सांस लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि होनी चाहिए, सेवंथ यह एक चक्र हुआ, ऐसे ही 10 चक्र करें। शीतली प्राणायाम के लाभ, फर्स्ट शरीर और दिमाग को शीतलता प्रदान करता है, सेकंड तनाव चिंता डिप्रेशन में यह प्राणायाम रामबाण है, थर्ड भूख और प्यास को नियंत्रित करने में सहायक है, फोर्थ उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम की सावधानियां, फर्स्ट निम्न रक्तचाप अस्थमा ब्रोंकाइटिस वाले व्यक्तियों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सेकंड कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, नंबर थर्ड शीतली प्राणायाम को सर्दियों में भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम की विधि, फर्स्ट सुखासन में बैठ जाएं, दोनों नासिका छिद्रों से फेफड़ों तक सांस भरें, सेकंड दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से कानों के छिद्रों को बंद कीजिए, थर्ड अब भौंरे के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए, नंबर फोर्थ 5 से 10 चक्र तक करें और धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम के लाभ, फर्स्ट अनिद्रा थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को ब्राह्मरी प्राणायाम से लाभ मिलता है, सेकंड इस प्राणायाम के अभ्यास से स्वर मधुर होता है और आवाज़ में निर्मलता आती है, थर्ड विद्यार्थियों के लिए यह प्राणायाम खास तौर पर फायदेमंद है, इससे दिमाग मजबूत होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, नंबर फोर्थ मानसिक रोग चिड़चिड़ापन क्रोध व तनाव भी इससे दूर होते हैं, नंबर फिफ्थ उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए भी लाभकारी प्राणायाम है। ब्राह्मरी प्राणायाम की सावधानियां, फर्स्ट कान में दर्द होने पर इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, सेकंड अगर ब्राह्मरी प्राणायाम करते समय खांसी सर दर्द या चक्कर आने लगे तो अभ्यास को रोक दें, नंबर थर्ड प्राणायाम करने का समय और चक्र धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ओम, धन्यवाद बच्चों।